देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों के बावजूद सामाजिक संस्थाएं भी शासन और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। इन संस्थाओं द्वारा न केवल जरूरतमंदों को दोनों वक्त भोजन कराया जा रहा है बल्कि उनकी हर संभव मदद भी की जा रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी के गढ़ी बोलनी रोड स्थित डलियावास गांव में रह रहे लक्ष्मी नारायण के परिवार की, जहां उनकी पत्नी और उनके परिवार के अन्य सदस्य लॉकडाउन के इस दौर में सुबह सवेरे से ही जरूरतमंदों के लिए भोजन बनाने में जुट जाते हैं और इसके बाद भोजन तैयार करके झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे लोगों तक वह भोजन पहुंचाते हैं। स्थिति के अंदर कुछ लोग हैं, गरीब हैं, जो मजदूर तबका है जिनको खाना नहीं मिल पा रहा। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि उनको दो समय का खाना मिल जाए, तो बस एक इसी उसमें ये सेवा देने की कोशिश। कब से ये कार्यक्रम आपने चलाया हुआ है? ये हम पिछले 27 तारीख 27 तारीख। कितने लोगों को रोज भोजन कराया जाता है? 450 सुबह, 450 शाम। जी, कितने लोग आपके साथ यहाँ काम कर रहे हैं, जुटे हुए हैं? मेरी टीम है, मेरा परिवार है, करीब करीब 20 आदमी है, उनको कर रहे हैं शादी उनके। जी, काफी संस्थाओं ने जैसे पीछे कदम हटा लिए हैं, जिस तरीके से 14 तक लॉकडाउन की बात कही गई थी उसके बावजूद भी आपके यहाँ भोजन कराया जा रहा है, क्या कहेंगे दूसरों के लिए? यही करेंगे कि दूसरों के लिए भी यही कहना चाहेंगे कि जैसे इस भयावह स्थिति के अंदर सरकार भी जितना कर रही है उतना कर रही है, लेकिन हमें भी आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए इसमें और लोगों की परेशानियों का हल निकालना चाहिए और कोशिश कर रहे हैं कि भी निकलते निकाले, जब तक हमारी भी चलेगी तब तक हम भी करेंगे। क्या आपको कोई सरकार से फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है? नहीं, कोई सरकार से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं, एक हमारी हेल्प नहीं है, एक हमारी खुद की हमारी एक टीम है जो जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है तो मतलब सभी कर रही है, सब कुछ अपने स्तर पर किया जा रहा है। बिल्कुल, और जहाँ तक अपने वो चल रही है वही हो सकता है कि और भी आगे बढ़ाते हैं जी, तो इसलिए भाई कोई गरीब भूखा नहीं रहे तो हम अपनी तरफ से सारे मिलकर कर रहे हैं। कब तक करते रहेंगे लॉकडाउन? अभी 3 मई तक जैसे बढ़ा दिया है सरकार ने। देखो सर, जहाँ जब तक अपने वो होता है जब तक करते हैं, हम तो यही सोचते हैं कि भी जब तक चले। जो गरीब आदमी है, जो हर स्टेट से रुके हुए हैं, कहीं से भी किसी स्टेट के भी हैं, वो यहाँ रुक रहे हैं, हम उनको दोनों टाइम और सुबह और शाम का दोनों टाइम खाना दे रहे हैं। जैसे मोदी जी ने जो स्कीम चलाई हुई है वो बहुत अच्छी स्कीम चलाई हुई है, देश का उद्धार करने के लिए, कोरोना को भगाने के लिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है जी। इससे अच्छा जितना हमारे से होगा उतना अच्छा हम करेंगे, जब तक हमारे से संस्था चलेगी जब तक हम चलाएंगे। दूसरे लोगों से किस तरह की अपील करेंगे? जैसे सरकार लगातार कह रही है सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, जैसे सरकार कह रही है 3 मई तक का लॉकडाउन किया हुआ है, आज हम 16 तारीख होगी, तो हम जितना हम आगे कोशिश होगी हमारी उतना हम आगे कोशिश करेंगे इसको बढ़ाने के लिए।